देश में चार चरण के मतदान संपन्न हो गए। पांचवें चरण के लिए 20 मई को मतदान किए जाएंगे। बात अगर बिहार की कर ली जाए तो 20 मई यानी पांचवें चरण में बिहार के कुल 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की लोकसभा सीट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट की, क्योंकि हाजीपुर से रामविलास पासवान लगातार चुनाव जीते रहे। हाजीपुर से ही रामविलास पासवान ने एक के बाद एक कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। आज की तारीख में उस हाजीपुर सीट से चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, चिराग के लिए हाजीपुर के लोग संकट बनते दिख रहे हैं। आमतौर पर चिराग पासवान की सभा में भीड़ होती है, लेकिन हाजीपुर में जो रोड शो चिराग कर रहे हैं उसमें वो भीड़ नहीं दिख रही है जो पहले हुआ करती थी। मतलब साफ है कि चिराग से लोग जो है वो दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, हाजीपुर की लड़ाई त्रिकोणीय है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। एक चिराग है, दूसरी तरफ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टेलीफोन छाप उनका है, 7वें नंबर पर आता है। और उसके अलावा शिवचंद्र राम जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, पहले भी चुनाव लड़े, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्य रूप से जो लड़ाई है हाजीपुर की वो इन्हीं तीनों कैंडिडेट के बीच में होती दिख रही है। आमतौर पे अलग अलग सीटों की बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, लेकिन हाजीपुर वो सीट है जहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। एक युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जो चिराग पासवान के लिए संकट बनता दिख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर चर्चा भी खूब हो रही है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजकुमार पासवान को बैठाने के लिए कई जो दल के नेता हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजकुमार पासवान को बैठ जाना चाहिए। अगर राजकुमार पासवान बैठ गए तो न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि इंडिया गठबंधन आरजेडी को भी फायदा हो सकता है। राजकुमार जिसे समर्थन कर देंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन राजकुमार पासवान बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि राजकुमार पहले भी चुनाव लड़े हैं, रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और पशुपति कुमार पारस के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, और अब चिराग पासवान के खिलाफ भी उन्होंने न सिर्फ ताल ठोकी बल्कि चुनावी मैदान में कूद गए हैं। 20 तारीख को वोटिंग है, प्रचार प्रसार का अंतिम दिन कल यानी 18 तारीख शाम 5 बजे तक ही है, थम जाएगा। उससे पहले अलग अलग चैनल्स वह अलग अलग रिपोर्ट बता रहे हैं कि कौन से क्षेत्र और कौन कहाँ पर भारी पड़ रहा है। हाजीपुर चिराग पासवान के लिए राह आसान नहीं है। हाजीपुर में जो जनसभा हो रही है उसमें वो भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि जो वोट करने वाले लोग हैं उनकी तादाद नहीं दिख रही है। और कहा जा रहा है कि खासतौर पे जो कैडर वोट है चिराग पासवान का, पासवान वो उनके साथ भी उतनी तादाद में नहीं है जितना कि रामविलास पासवान के समय में हुआ करता था। चूँकि राजकुमार पासवान और ऋषि पासवान में ये बड़ी सेनवाड़ी करते नजर आ रहे हैं, दलित महादलित ऑल ओवर देख लिया जाए तो उसमें भी है, और कई जो राजपूत नेता हैं जो चिराग पासवान के साथ थे अब चिराग से अलग हो गए हैं, तो वैसे में जो अपर कास्ट का वोट है उसमें भी सेंधमारी होती दिख रही है। और इसलिए मेरे लिए कहना आसान हो गया है कि हाजीपुर की लड़ाई पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया है। चिराग पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान और आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। टेलीफोन है, हेलीकॉप्टर है और लालटेन है। मुख्य रूप से तीन लोगों के बीच, तीन दलों के बीच होती दिख रही है। चिराग पासवान के लिए हाजीपुर से लोकसभा पहुंचना उतना आसान नहीं दिख रहा है जितना कि रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस के जमाने में हुआ करता था। बहरहाल कल प्रचार का अंतिम दिन है और 20 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग प्रतिशत से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपकी क्या राय है आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।